सीजन 9 हमारा शुरुआत फर्स्ट मैच जयपुर के साथ अच्छा रहा था हमारा, उसके बाद थोड़ा सा टीम अप डाउन चलती रही, लेकिन ये हो जाता है कई बार, ऐसा नहीं है कि आपके हिसाब से सब कुछ चीज़ चलती हैं। थोड़ा सा डिफेंस मिस्टेक करा, डिफेंस का ही मिस्टेक थोड़ा सा हो रहा है इस बार। बहुत अच्छा खेलते हैं ऐसा नहीं है, अगर कई बार बहुत अच्छी लीड लेने के बाद फिर थोड़ा लूज कर जाते हैं, तो थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ रही थी, लेकिन वो जैसे जैसे मैच आगे बढ़े तो वो समस्या थोड़ी दूर हुई। और जो हमारा वीक पॉइंट था कि हमारे रेडर हर बार उतना अच्छा नहीं कर पाते थे, तो इस बार हमारे रेडर टीम को लीड करके चल रहे हैं, और डिफेंस भी शुरू के मैच छोड़ देते उसके बाद थोड़ा ठीक रास्ते पर आता जा रहा है, तो अभी टीम अच्छा कर रही है। उसके बाद सीजन 5 में था नितिन और जीवा नवी सीजन 5 में थे और अब आए हैं, जीवा नया जो कोच आया है, यही है एक्सपीरियंस है नितिन तोमर के पास भी काफ़ी, उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है, हर चीज़ पता है नितिन को, हमसे तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस है, उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है कि वो हर प्लेयर के साथ काफ़ी सीजन से खेल रहा है मेरे से ज़्यादा, तो एक्सपीरियंस है उसके पास, उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है टीम को बिल्कुल, कोई बात होती तो पूछते हैं बताता है ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। और जीवाना भी बिल्कुल, वो भी काफ़ी साल खेले हैं, सीजन 8 तक खेले हैं, उनके पास भी एक्सपीरियंस है, तो हाँ बिल्कुल दोनों का बेनिफिट तो है ही टीम को। सीजन 5 से लगा के अभी तक देखा तो यूपी योद्धा की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि सीजन 5 से लेकर अभी तक यूपी योद्धा लगातार प्लेऑफ में जाती रही है, और शुरू में चाहे अप डाउन भी हुआ लेकिन लास्ट जो कराया वो टीम ने अच्छा कराया, काफ़ी अच्छी टीम रही है। और सीजन 5, सीजन 6, सीजन 7 के बाद एज ए मैनेजमेंट ने काफ़ी कुछ, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं अपनी टीम के प्रति, और उसके लिए काफ़ी कुछ कदम भी उठाएं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो लीग में जो टीम है इनमें NYP जो लड़के हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जबकि सीजन 7 से पहले उतना नहीं था, कोई भी टीम यंग लड़कों पर इतना विश्वास नहीं करती, लेकिन सीजन 7 में जैसे ही हमारे 3-4 लड़के मैन 7 में खेल कर गए और इन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया, जैसे नितेश भी होया, आशु, सुमित या सुरेंद्र गिल, तो लोगों की सोच बदली है, तो अभी आप देख रहे हैं कि हर टीम में NYP लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसी को देखते हुए हमारे जो हमारा ये मैनेजमेंट है यूपी योद्धा मैनेजमेंट GMR ग्रुप, तो इन्होंने एक मेरठ के अंदर अकेडमी खोली अपनी, जहां वहां नए लड़कों को रख के पूरे साल से साल तक रख के वहां उन्हें ट्रेनिंग दे के उन बच्चों को तैयार किया जा सके, उन बच्चों के बारे में पूरी जानकारी रह सके, उन्हें हम अपने हिसाब से यहाँ कंपटीशन, एक इतनी बड़ी लीग में आने से पहले हम उन्हें कंपटीशन दे सकें वहाँ सिविल में, अच्छे टूर्नामेंट्स, ऑल इंडिया टूर्नामेंट दे के, ताकि वो हमें उनके बारे में जानकारी हो। Let's go!